अगरबत्ती भी लगा दी हमने, हमारी कावड़ उधर है, हम लोग गाड़ी के आगे साइड रखी हुई है। बाकी अभी हम तीनों दोस्त बैठे हैं और जैसे रात में चार्ज किया था तो मोबाइल कम चार्ज हुआ था और व्लॉग भी अपलोड करना था तो व्लॉग भी अपलोड चल रहा था तो उसके कारण। बाकी अभी हमारा व्लॉग भी आ चुका है, जाकर देखो। और फिलहाल आज यहाँ से हमारे तीसरे दिन की स्टार्टिंग होगी तो तीसरे दिन आज हम कम से कम 30 से 35 किलोमीटर आज भी है तो ये हम पूरा पार करेंगे। और कल हमने किया था जो हमारा दूसरे दिन के ब्लॉग में तो वो था 25 किलोमीटर का, 25 से 28 किलोमीटर का था तो वो पार करते हैं। फिर यहाँ तक पहुँच चुके थे हम तो यहाँ से हम निकलेंगे क्योंकि 8-9 बजे तो आज का दिन रहेगा हमारा उज्जैन का। चलते हैं, रास्ते में आपको दिखाएंगे और फिर उज्जैन भी देखते हैं कैसा क्या माहौल रहता है। तो गाइस फाइनली बस अभी यहाँ से निकल चुके हैं अपना जोने झंडा लेके, तो अपना बैग उधर रह गया है वो, तो बस यहाँ से उठा के गाड़ी में रखने के लिए जा रहे हैं। आते दोस्तों आज जैसे कि अभी स्कल वाले भैया आ चुके हैं साथ में बोल वो हम, और अभी बस निकल पड़े हैं यहाँ से उज्जैन की ओर। तो अभी हम आराम से चलेंगे और पीछे पीछे चलेंगे डीजे से कम से कम 5-6 किलोमीटर दूरी पे। तो बस अभी ये सब निकलते हैं और हम आराम से चलेंगे क्योंकि भीड़ भाड़ में कावड़ की मतलब लगने की डर रहती है आगे पीछे वाले से, तो आराम से चलेंगे। तो गाइस अभी जैसे कि हम चल रहे हैं और हमारा आगे डीजे भी चल रहा है तो थोड़ा बहुत मतलब कच्चे रास्ते निकलना पड़ेगा 2-3 किलोमीटर। तो अभी चलते हैं फटाफट। गाइस आज का पहला ऑफरोडिंग रास्ता चालू हो चुका है और पैर की कंडीशन देख सकते हो और ऊपर से अब दिखाते हैं। बम बम बोले तो फाइनली गाइस वापिस हम टू लाइन पे आ चुके हैं और यहाँ से इंगोरिया से वापिस बनने का उज्जैन जो मेन रास्ता है
वो पकड़ लेंगे हम। और अभी साथ में दो है, कल तीन जने थे हम, और अभी छोड़ के चला गए। जस्ट अभी चप्पल फेंका गए यहाँ पर ही, वो छोड़ दिए। मतलब बहुत सारे अभी आगे उधर साइड कीचड़ था शॉर्टकट रास्ते पर, तो बहुत सारे मतलब चप्पल छोड़े हुए थे। और अभी चलते हैं हम तो बिना चप्पल से। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो गाइस अभी जैसे कि हमने फोर लाइन चढ़ने के बाद में 2 से 2.5 किलोमीटर अभी इसके ऊपर आ चुके हैं हम। और आज शाम तक मतलब 4-5 बजे तक हम मतलब उज्जैन पहुंच जाएंगे। तो हम तो आराम से चल रहे हैं फिलहाल, ज़्यादा नहीं तो ये भी 6:30-7 बज जाएगी चलते चलते। और मतलब रोड छोड़ के फिर कच्चा रास्ता अपनाना पड़ रहा है, तो अभी चलते हैं फिलहाल। तो गाइस अभी जैसे कि साथ वाले ने सभी ने साथ छोड़ दिया है और मैं केवल अकेला चल रहा हूँ अभी। तो देख सकते हो मेरे साथ में कोई नहीं है, बस अकेला। अब यहाँ से डायरेक्ट फोर लाइन चढ़ेंगे शॉर्टकट में, और फिर क्योंकि आगे थोड़ी गिट्टी है तो मतलब चुभने का डर रहता है, इसलिए मैं चलते हैं फटाफट। चढ़ ली फोर लाइन, चलते हैं फटाक से अब इसके ऊपर। पहले इस ब्रिज के नीचे से आए थे। जय श्री मांगल दोस्तों, अभी जैसे कि हमने शॉर्टकट रास्ता ले लिया, जो पहले जो लोकल रास्ता था उज्जैन जाने वाला, और फोर लाइन उधर छोड़ दी हमने, तो साइड में रह गई है। बाकी इधर भी चल रहे हैं हम पैदल। तो जैसे कि हमारे साथ में ही थे कावड़ यात्रा में, तो 3 जने इनका मतलब ग्रुप ज्वाइन हो चुका है, साथ में चल रहे हैं अभी। तो 3 ये, एक और में 4 हो गए हम। तो अभी चलते हैं, कहाँ पर स्टॉप लगा है देखते हैं। बोल बम हर हर महादेव। तो अभी जैसे कि गंभीर नदी आ चुकी है, तो अभी गंभीर नदी की इधर साइड है हम, इसको पार करने के बाद थोड़ा बहुत ब्रेक लगाएंगे और फिर निकलेंगे पानी नहीं पी के। तो जैसे कि अभी काम चल रहा है यहाँ पर, मशीनें सभी इधर उधर चल रही है, और हम अभी जो पुरानी वाली पुल है इस पर चल रहे हैं। इधर भी पानी भरा हुआ है, इधर भी मतलब पानी जा भी रहा है, और साथ वाले 2 जने आगे, एक में एक पीछे, 4 जने होते हुए। तो देख सकते हो 2 जने लटके हुए भी है उधर मशीन के ऊपर। तो चलते हैं। तो गाइस अभी जैसे कि हम फरियाल करने जा रहे हैं पैदल पैदल, तो थोड़े व्यवस्था जैसे फरियाल करने के आगे है। बाकी यहाँ पर डीजे जे की कावड़ रोकी थी, तो भी चलते हैं। और वहाँ पर रखा हुआ है, तो वहाँ पर जाके अभी साथ में 3-4 जने रह गए, क्योंकि अपने गांव वाले सभी भाग गए वो, और तो पार्टी चेंज कर ली अपन ने भी। तो चलते हैं फटाफट। तो अभी जैसे कि फोर लाइन को चल रहे हैं अपन, और जो पहले वाला उज्जैन जाने का रास्ता था वो उधर साइड रह गया है। और अभी बीच सेंटर में तो चल रहे हैं फोर लाइन, एक साइड की बंद है और उधर साइड की चल रही है, वो भी छूट फूट ही चल रही है लोकल। चलते हैं, पीछे भी आ रही है कावड़ यात्रा, साथ वाले ही है। तो हर हर महादेव दोस्तों, फाइनली बस पहुंचने वाले हैं, दादा से 1 किलोमीटर और बचा है, और ये पार्किंग आ चुकी है। तो हमको बड़ी पुल से होके निकलना पड़ेगा, जैसे छोटी पुल वाली भी अभी पानी जा रहा है, तो इधर से घूम के जाना पड़ेगा। तो चलते हैं अभी और दिखाते हैं आपको पानी कितना क्या है। आ चुके हैं हम पुलिया के पास में, तो वो जी इतना पानी जा रहा है, बोल बम। और वो पुल है जो आगे सामने, तो वो पूरी ढकी हुई है, तो उसके ऊपर से पानी जा रहा है घुटने घुटने इतना। तो चल रहे हैं अभी बोल बम। तो आज हमारी कावड़
ब्रेक लगेगी और कल फिर जल चढ़ाएंगे। बोल बम। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं अपने धाकड़ धर्मशाला। यहाँ पर जाके कावड़ आवड़ उतारते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। चलते हैं अंदर। जैसे कि अभी हम आ चुके हैं तो हमने अभी इधर नहा लिया है और स्नान कर लिया है। यह रह गया हमारा घोड़ी वाला। तो फिलहाल ही मतलब आज भीड़ मतलब इतनी खतरनाक है कि देख सकते हो आप। बाकी कल का सीन रहेगा बड़ा मंदिर जाने का। तो जस्ट अभी रेडी होके खाएंगे और